कैसे हैं आप सब? ये वीडियो आपके लिए है अगर आपका बर्थडे है 7/9/18 या 27 27। ओके, आई से 27, मैं गुजराती हूँ, गुजराती में हमेशा 27 बोलते हैं, ठीक है? 9/18 या 27, टू बी वेरी क्लियर, लाइक 9/18 या फिर 27 अगर आपका बर्थडे है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आप अपने लिए देख सकते हैं या फिर आप किसी को पहचानते हैं जिनका बर्थडे ये तीन में से कोई एक डेट है, तो भी आप उनके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। आप उनके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे, ज़्यादा उनके बारे में आपको आइडिया लग पाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो उनके लिए है। अब ये वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपके लिए फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको अवॉइड करनी है, यूनिवर्स के मैसेजेस, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं ये वीडियो में। मेरे बारे में कुछ आपको बताऊँ तो मैं हूँ प्रीति और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं आज तक दुनिया भर में, मैंने इतने सारे देशों में से लोगों के रीडिंग्स किए हुए हैं, मैं हज़ारों लोगों को टैरो सिखा भी चुकी हूँ। और अगर आप यू नो ये वीडियो देखने के दौरान या फिर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ ज़्यादा सवाल आपके मन में उठते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझसे यू नो प्राइवेट कंसल्टेशन करवा सकते हैं। मेरा जो प्राइवेट कंसल्टेशन होता है वो फ्री नहीं है, ठीक है? यस, मेरे प्राइवेट कंसल्टेशन के चार्जेस होते हैं। चार्जेस क्या है, चार्जेस जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर सारे पैकेजेस, अलग अलग बेसिक पैकेजेस भी हैं और प्रीमियम पैकेजेस भी हैं। आप यू नो दोनों में से कोई भी पैकेज में आप यू नो रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी पैकेज लो। यस, यू नो प्राइसेस जो भी है फाइनल रहेंगी, प्राइसेस आर नॉन नेगोशिएबल, ठीक है? और यस, और सारी डिटेल्स, रीडिंग्स के बारे में सारी डिटेल्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब कुछ आप यू नो उस वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू नो मुझे यस यू नो कुछ भी अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं, टैरो करवाना चाहते हैं, किसी मामले में कुछ भी पूछना चाहते हैं, सारे के सारे कंसल्टेशंस पेड है, ठीक है? कंसल्टेशन करने के बाद ही आपको, कंसल्टेशन को प्री पे करने के बाद ही आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है? यस, दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी, बिकॉज यस यू नो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो इसीलिए मैं फ्री में कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, फ्री में फिलहाल आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स जिनकी बर्थडे है 9/18 या 27, उनके लिए लाइफ में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में गाइडेंस दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका बर्थडे है 9/18 या 27, उनके बारे में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है वो गाइडेंस दीजिए प्लीज़, क्या होने जा रहा है उसके लिए। सो यस, ये वाला कार्ड हम साइड पर छोड़ेंगे बिकॉज ये मैं कब से शफल करने की कोशिश कर रही थी, नीचे से हट ही नहीं रहा था, तो इसीलिए इसको हम साइड पे छोड़ देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर 9/18/27, व्हाट इज कमिंग अप 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 यूनिवर्स, व्हाट इज कमिंग अप फॉर 9/18/27, यूनिवर्स, व्हाट इज कमिंग अप फॉर 9/18/27, ठीक है? अब यस, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर इट ऑल, सारे के सारे हम ले लेंगे बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कुछ भी मिस आउट हो जाए, ठीक है? तो जो भी से अब ये जो वीडियो आप देखेंगे, ये जस्ट मुझे पता है कि यू नो दुनिया का हर एक व्यक्ति अलग होता है, हर एक व्यक्ति की एनर्जी अलग होती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ बातें हो सकती है कि जो रेजोनेट कर सकती है, कुछ बातें हैं कि जो रेजोनेट नहीं कर सकती है, जो रेजोनेट करता है वो रखिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए, ठीक है? और यू नो ये जो वीडियो है ये एक टाइमलेस वीडियो है, ठीक है? आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो की रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी, ठीक है? सो यस, बी अवेयर ऑफ दैट। यहाँ पे काफी ज्यादा कार्ड्स आ गए, वन कार्ड को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है? सो देयर इट इज। चलिए स्पेशल वाला जो हमारा कार्ड है वो सबसे पहले देख लेते हैं, यू नो बिकॉज जैसे मैंने कहा ये वाला कार्ड स्पेशल है। दिस कार्ड इज एक्चुअली सेइंग यू आर अ पर्सन, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ड्रीम्स को सच करना जानते हैं, ठीक है? तो कंप्लेन मत करो, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दिस इज़ इन बॉर्न, आपके भीतर ही यू नो ये सारा एनर्जी छिपा हुआ है कि जो आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसे अट्रैक्ट करना है,
बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं, बट यस उसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रयास करेंगे उसके बाद आपको आइडिया आएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो जी हाँ, तो दैट इज यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। चलिए अब दूसरे सारे कार्ड्स देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव दिस कार्ड, ओके। सो दिस इज वेयर आपका एक लाइफ के प्रति आपका जो जो रवैया है, लाइफ को अप्रोच करने के प्रति जो आपका रवैया है, वो आपको हमेशा यू हैव टू डू एवरीथिंग लविंगली, ठीक है। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल प्रेम पूर्वक करनी है। अब ये बताना पड़ता है, राइट, बताना पड़ता है, बिकॉज आजकल की लाइफ इतनी फास्ट है, दुनिया इतनी फास्ट जा रही है कि इंसान क्या सोचता है कौन से समय में, उसके ऊपर यूजुअली किसी का कंट्रोल नहीं है। इंसान को खुद को नहीं पता चलता है कि वो क्या सोच रहे थे जब वो खाना खा रहे थे। क्या आपको याद है, आप आज जब आपने खाना खाया, राइट, दोपहर का लंच खाया या रात का डिनर खाया, वो खाने के टाइम पर आपने अपनी प्लेट में क्या क्या लिया था? दैट इज अ सुपर बिग मिस्ट्री। ये चीज़, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। यस, आज की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अगर आपको दोपहर के भी खाने में आपने क्या खाया वो पूछा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा सोच कर जवाब देंगे, ठीक है। सो इसीलिए इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी करें, आपके अवेयरनेस हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा लविंगली उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं, लविंगली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। कुछ भी आपके पास है, यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग वेरी लविंगली। ये वाला कार्ड कहता है आपके लिए लाइफ में हमेशा एक एक झोल रहेगा, ऐसा कह सकते हैं, राइट, ऐसा प्रॉब्लम रहेगा। हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आपको लाइफ में हमेशा मिलती रहेंगी, विच इज़ अ लिटल बिट ऑफ अ रिलीफ। यस, ये एक रिलीफ की बात है कि आपके पास हमेशा बहुत सारी चॉइसेस होंगी हमेशा, तो ये एक अच्छी बात है। बट एक और चीज़ है कि जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सी चॉइस को सिलेक्ट करना है, कौन सी चॉइस को जाने देना है। यस, ये एक कार्ड है, दिस इज ऑल्सो अब्रप्ट एंडिंग का कार्ड है। बहुत सारे तो नहीं कह सकती हूँ, बट अब्रप्ट वाले एंडिंग आपकी लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं कह सकती हूँ कि हर 2 दिन में आएंगे, ठीक है, बट ऐसे अब्रप्ट एंडिंग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। लाइक 6-8 महीने में एक आध चीज़ है कि जिसका अंत हो जाएगा, कोई रिलेशनशिप का अंत हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ होगा कि जिसका एंड हो जाएगा कभी ना कभी। यस, कभी आप कुछ बहुत इंटरेस्ट से कोई कोई मूवी देख रहे थे, या आपका कोई फिल्म स्टार था, आपका फेवरेट था, एकदम से आपको उसके प्रति नफरत हो सकती है, एकदम से उसके प्रति माया उठ सकती है, और ये वाला अब्रप्ट चेंज वाला कार्ड अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी आपके लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करेगा। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है मनी के रिलेटेड कोई नई शुरुआत है कि जो आपको करना आवश्यक है। अगर आप ये नहीं करने वाले हैं, दिस इज़ गोइंग टू फॉलो यू, दिस इज़ गोइंग टू हॉन्ट यू। अब ये मनी के रिलेटेड नई शुरुआत क्या हो सकती है, या तो आप पैसा बचाना शुरू करें या तो आप पैसा कमाना शुरू करें, ठीक है। बट समथिंग अबाउट मनी इज़ वेयर आप उसको, मनी को खुद अपनी अपने हाथों से क्रिएट करना सीख जाओ। दिस इज़ वॉट दिस कार्ड इज सेइंग कि ये करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ पर कार्ड्स में जो भी आता है, अगर आप रीडिंग में जो भी आता है वो उसको आप नहीं करते हैं, ओके, जैसे पैसे कमाने की मैं बात कर रही हूँ, और अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं, वेल एंड फाइन, मत कमाओ, बट यूनिवर्स आपके लिए एक पॉइंट पर इस चीज़ को ऐसा कर देगा कि आपके लिए फिर वो चीज़ को हासिल करना, मतलब मार मार मचोड़ के, तोड़ मरोड़ करके, कुछ भी करके आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। जब एक लेवल का डेस्परेशन आ जाएगा, तो अभी तक अगर डेस्परेशन नहीं आया है तो आप अच्छा क्वालिटी टाइम, क्वालिटी इनपुट देकर वो चीज़ को फुलफिल करोगे, तो उस तरह से करो, राइट। बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके आपसे कुछ करवाया जाए वैसे करते हो, उससे तो बेहतर है अपनी मर्जी से करो। बिकॉज यस, बिकॉज ये यहाँ पर कार्ड में आया है, दैट मीन्स यस, ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड तरह से हो गया, राइट, कि आपको बोला जा रहा है कि आपको पैसे कमाना है, आपको बोला जा रहा है कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना है। अब इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप इसमें नहीं कह सकते हैं कि मेरा फ्री विल है, मुझे नहीं करना है, बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग यू ये चीज़ आपको अभी नहीं तो बाद में फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ देयर, दिस कार्ड इज़ एक्चुअली सेइंग आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, आपके जितने भी नॉट एग्जैक्टली रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में समय समय पर परिस्थितियाँ जो है वो बदलती रहती है,
और ये जो परिस्थितियां हैं, यस यू नो यू ट्राई टू अडेप्ट टू दैट सिचुएशन, आप अपने आप को यू नो अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं हर एक परिस्थिति के हिसाब से, कि जो अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हर एक परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि जिसके लिए आप यू नो आप उसके हिसाब से घट जाओ। तो कभी कभी किसी परिस्थिति को देखना, उसको समझना आवश्यक है। ट्राई टू सी वेदर इट इज़ रियली नेसेसरी कि वो परिस्थिति में आपको, या इज़ इट वर्थ इट, उस परिस्थिति में अपना समय देना क्या मतलब जायज़ है या नहीं। अगर जायज़ नहीं है तो यू नो वहाँ पर बेफिजूल अपना समय बर्बाद करना बंद कीजिए, ठीक है। तो ये आपको एक असेसमेंट, एक यू नो इंट्रोस्पेक्शन आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, दिस इज़ सपोज टू बी डन फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि समय समय पर रिलेशनशिप के लिए भी समय समय पर यू नो आप जैसे अगर घर में काम वाली रखी है तो समय समय पर चेक करते रहो कि क्या वो काम वाली सही तरह से काम कर रही है कि नहीं। अगर अच्छे से काम नहीं करते कर रही है तो उसको चेंज करके दूसरी काम वाली लाओ, राइट। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड मीन्स। काम वाली के लिए भी अप्लाई करता है, आपके दोस्तों के लिए भी अप्लाई करता है। इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंड्स, बट अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि जो आपकी लाइफ में यू नो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ाते, आपका पर्सनल ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करते, तो व्हाट व्हाट गुड आर दोज फ्रेंड्स को, ठीक है। तो इसीलिए फिर उस फ्रेंड्स को आपको यू नो फिर अपनी लाइफ में से कट ऑफ करना है। जो फ्रेंड्स आपकी आपकी जो लाइफ की जो वैल्यू है, आपकी आपका जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें आपकी मदद करते हैं, राइट, ऐसे फ्रेंड्स को आपको रखना है। येस, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस, दिस कार्ड इज अबाउट यू बींग दिस स्ट्रिक्ट पर्सन। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना ज़रूरी है, यू हैव टू बिकम अ स्ट्रिक्ट पर्सन। या फिर अगर आप पुरुष हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है कि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कड़क मिजाज की है, और इनके साथ यू नो डील करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ये इनके साथ डील करना, येस, आप में से 9, 9, 18, 27 इसमें से जितने भी फीमेल्स हैं, आप बहुत ही ज़्यादा शार्प लड़कियां हैं, बहुत ही ज़्यादा यू नो शार्प है कि आपके साथ है, आपको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। यस, आप डोमिनेटिंग होंगे और सबको सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करना जानेंगे। और एक है फैमिली लाइफ, यस फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट, फैमिली हमेशा यू नो फैमिली को एक प्रायोरिटी आपको बनाए रखना है। एंड आप जानते हैं यू नो फैमिली में हार्मनी कैसे बनाए रखना है, फैमिली में कैसे एकता और सुकून बनाए रखना है, ये आपको पता है। यू ऑलवेज हैव टू ट्राई टू मेंटेन इट, ठीक है, बिकॉज यस फैमिली के हर एक इंसान, हर एक लोग यू नो सेम नहीं होते हैं, सो यू हैव टू ट्राई टू फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड, ये वाला कार्ड बताता है पैसे हमेशा बैलेंस करके यूज़ करना है। यू नो भले आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना आ जाए, ऑलवेज यू हैव टू यू नो ट्राई टू मतलब पैसे जो यूज़ करते हैं बहुत ही यस संभल संभल कर यूज़ करना है। अगर ये मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, जैसे अगर आप करोड़पति हैं फिर भी आपको यू नो संभल संभल कर यूज़ करना है, ऐसा क्यों बता रही हूँ। एक बहुत ही अच्छा मूवी है, मूवी नहीं है उसे डॉक्यूमेंट्री है, दो पार्ट में है ये डॉक्यूमेंट्री, उसे मिनिमलिज्म कहा गया है, ठीक है। वो मिनिमलिज्म वाली डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए, दिस इज़ एग्जैक्टली यू नो कि जो आपको बताया जा रहा है इस कार्ड में। उसके बाद ये वाला जो कार्ड है, दिस कार्ड एक्चुअली सेज कि यू नो आप एक बहुत ही यू आर समबडी हु इज़ इन कंट्रोल, आप बहुत ही ज़्यादा अपने कंट्रोल में रहने वाले व्यक्ति हैं और आप किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। यस यू नो ये आपके अंदर ये एक फैक्टर है। आप में से कुछ लोग हैं कि जो ये वाली पर्सनालिटी है, आप में से कुछ कुछ लोग हैं कि जो ये वाली पर्सनालिटी है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये अगर आपकी पर्सनालिटी है तो आप बहुत ही ज़्यादा यस अपने हिसाब से सबको नचाना चाहते हैं, अपने हिसाब से सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये एक चीज़ है। अगर आप ये वाली आपकी पर्सनालिटी है तो आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जैसे आप है यू नो मतलब लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, राइट, इट इज़ अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम अगर आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, अगर आप इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट आप अपने साथ कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ हमेशा कैरी करो, ठीक है, बिकॉज येस आपको ये नेगेटिव एनर्जी से, बुरी नज़र से बचाएगी। सो ये चीज़ आपको करना है। एंड या एक और चीज़ आपको करना है कि ये दिस ब्लैक थिंग कुड बी यू नो एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो ना सिर्फ यू नो नॉट बुरी नज़र, बट ये आपके सारी नेगेटिव एनर्जी से बचाएगी। अब बुरी नज़र तो यू नो यूजुअली लोग हमेशा उसी तरह से उसे इंटरप्रेट करते हैं कि लोगों की बुरी नज़र लग गई, बट
एनर्जीज तो हर जगह पर है, जहां पर लोग नहीं है वहां पर भी नेगेटिव एनर्जीज होती है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो यू नो कहीं पर भी आप किसी हॉन्टेड जगह पर जाते हैं, हॉन्टेड जगह पर बहुत कितने सालों से लोग रहना बंद कर देते हैं, बट स्टिल एट दैट प्लेस यू नो आप जहां पर भी जाओ, यस वहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये वाला कार्ड कहता है आपको हमेशा अपने साथ कोई ब्लैक कलर की चीज़ कैरी करना है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता आपको किस लिए हेल्प करेगी, बट आपको किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प ज़रूर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड। ये वाला कार्ड कहता है कि आपको एक बहुत ही मतलब फ्रीडम वाला एटीट्यूड रखना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दिल खोलकर ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है, ट्रांसपेरेंटली आपको रहना है, जीना है, जो भी करते हैं यस, और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, उसी तरह का आपका प्रयास रहना चाहिए लाइफ में, हमेशा आप प्रोग्रेस करते रहो, उसी तरह की प्रोग्रेसिव मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव मेंटालिटी इन द केस ऐसा नहीं कि मतलब कि जो मेंटालिटी 50 साल पहले के लोगों में होती थी वही मेंटालिटी के साथ आपको जीना है, ऐसे नहीं। आपको अपना मेंटालिटी सुधारना है, अपनी मेंटालिटी को बेटर करना है, ठीक है, समय के हिसाब से। दिस कार्ड एक्चुअली सेज यू आर समबडी हु कैन अट्रैक्ट मनी। आप यू नो मनी के मैग्नेट है और आप जहाँ पर जाते हैं मनी अट्रैक्ट करके ही लाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। पैसे आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करना सीख गए हैं, और अगर आपने अभी तक यू नो पैसे अट्रैक्ट नहीं किए हैं तो ये वाले कार्ड के ऊपर से यू नो लग रहा है कि डेफिनेटली आप फ्यूचर में मनी के मैग्नेट बनने वाले हैं, जहाँ पर यस आप मतलब आप जो भी करेंगे आप बहुत ही आसानी से पैसे अट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। और ये वाला कार्ड कहता है कि कुछ ऐसा, अगर आपको कोई ऐसे बिलीफ्स है आपके, कुछ ऐसी आपकी मान्यताएं हैं कि जो बिल्कुल सच है, आपके जो ड्रीम्स हैं कि जो बहुत ही सच है, और आपको लगता है यू नो कि वो ड्रीम्स के ऊपर काम करा जाना चाहिए, तो डेफिनेटली यू नो आपको आपको उसके ऊपर काम करना है। और जी हाँ, यू नो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स के लिए लड़ना भी पड़ सकता है, ठीक है, बट ड्रीम्स आर समथिंग कि जिसके ऊपर आपको काम करना है। एंड यू नो दिस कुड ऑल्सो भी कि आपके ड्रीम्स के ऊपर आप अच्छे से यू नो काम करोगे तो वो आपको पैसे अट्रैक्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ये बेसिकली जो आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए है। अब देखते हैं आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, राइट। लाइफ में यू नो लोग परेशान इसलिए नहीं होते हैं कि क्योंकि वो सही मतलब सही काम नहीं करते। लाइफ में लोग परेशान इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो अवॉइड करना चाहिए, जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो काम वो करते रहते हैं, और इसीलिए एक लाइफ में बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं कि जो उनको अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनका बर्थडे है 9/18/27, उनके लिए क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए उसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स जिनकी बर्थडे है 9/18 या 27, उनके लिए फ्यूचर में अच्छा रहे, फ्यूचर पॉजिटिव रहे, उसके लिए क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है प्लीज़ उसके लिए गाइडेंस दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक प्राइवेट कंसल्टेशन देना है मुझसे तो बेझिझक आप यू नो मेरी वेबसाइट पर जाइए, सारे के सारे मेरे जो अलग अलग तरह के यू नो टैरो रीडिंग्स के पैकेजेस है वो ज़रूर देखिए, ठीक है। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखिए, सारे पैकेजेस की डिटेल्स आपको दी गई है, मेरी वेबसाइट का एड्रेस आपको यू नो स्क्रीन के ऊपर कहीं पर मिल जाएगा, और आप फिर कौन सा पैकेज आप यू नो जो भी पैकेज लेना चाहते हैं उसको आप बुक कीजिए, फिर आप यू नो मुझे अगर आप मुझे यस रजिस्टर करने से पहले अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखा हुआ दिया हुआ मिल जाएगा, बट कॉल्स आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। सीधा कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए प्लीज़, बिकॉज यस यू नो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सिर्फ कॉल के ऊपर कॉल रिसीव करना, यस मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट नहीं कॉल करना, मैसेज कीजिए। और यस यू नो अगर आप मैसेज करते हैं तो हाय हेलो हाउ आर यू गुड मॉर्निंग गुड नाइट, फिर वो जो वीडियोस होते हैं फनी वाले वो सब भेज मेरे ऊपर मत भेजिए प्लीज़, ठीक है। ये नंबर के ऊपर सिर्फ यू नो इट इज़ ओनली फॉर प्रोफेशनल इंक्वायरीज, तो इसीलिए जो दूसरे जो यू नो मजाक मस्ती वाले जो मैसेज होते हैं या इंपॉर्टेंट यू नो मैसेज होते हैं, कुछ सिखाने वाले रेसिपी पता नहीं क्या क्या लोग भेजते हैं,
प्लीज़ अवॉइड कीजिए वो सारे मैसेजेस। अगर आपने ऐसे मैसेजेस यू नो भेजे तो शायद आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जब एक्चुअल में मेरी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद आप मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ऐसे मैसेजेस करना अवॉइड कीजिए, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं क्या है कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए। यस, एक तो मैंने आपको बता दिया कि मैसेजेस आपको बेफिजूल के मैसेजेस करना अवॉइड करना है, सो दैट इज़ फॉर माई सेल्फ। ओके, अब आपको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, यू नो आपने पास्ट में, यू नो आज इस लाइफ में, इस लाइफ के पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा भी हुआ है, यू नो लोगों ने आपके साथ ज़्यादती भी की है, लोगों ने आपको बहुत ही कम आंका है जहाँ पर यस आपकी वैल्यू कम करके आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाया, आपको काफ़ी दुख दिया है, तो वो सारे अनुभव के हिसाब से, सारे अनुभव का जो पेन है आपको पकड़ कर नहीं रखना है लाइफ टाइम, ठीक है। आपको वो पूरा पेन पकड़ कर नहीं रखना है। सी एवरीबडी, ये रीडिंग जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बता दूँ, यस लाइफ में दुख मिलना, सी आपको एक बात बताऊँ, यू नो ये बात बिल्कुल सावधानी से सुनो, सब कुछ सारे डिस्ट्रैक्शन साइड पे छोड़ो। सी हमारे पुराणों में एक बात लिखी हुई है कि इस दुनिया में यू नो कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो गॉड की मर्जी के खिलाफ हो, राइट। अगर पेड़ का एक भी पत्ता हिलता है तो वो उसमें भी गॉड की मर्जी है, तभी चलकर वो पेड़ का पत्ता भी हिल सकता है, ठीक है। दुनिया का हर एक कण, छोटे से छोटा जो रेत का भी कण होता है, अगर वो भी एग्जिस्ट करता है, मतलब गॉड चाहते हैं वो एग्जिस्ट करे, तभी वो कण एग्जिस्टिंग है। तो दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है, दैट मीन्स सब कुछ गॉड की मर्जी से हो रहा है। सो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, दैट ऑल्सो मीन्स के गॉड की मर्जी से ही हुआ है। बट जब आपके साथ वो बुरा हुआ, गॉड का इंटेंशन आपको परेशान करना नहीं था, गॉड का इंटेंशन था आपको वो अनुभव करवाए ताकि आप उस अनुभव में से स्ट्रांग बनकर बाहर आए, ठीक है। गॉड जो, यस जो लोग गॉड को प्यार करते हैं, गॉड कभी नहीं चाहते हैं कि वो कमज़ोर बने, कभी नहीं चाहते हैं कि वो यू नो मतलब छोटी छोटी बात पे हार मान जाए, छोटी छोटी बात पे गिव अप कर दे, यू नो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करें, विक्टिमहुड फील करें। गॉड नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे बने, और इसीलिए आपको जो सारे पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं। तो आपको उसका दुख पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, ओ माय गॉड मेरे साथ वो हो, भाई छोड़ो वो सब और लाइफ खुशी से जीना शुरू करो, ठीक है। दिस कार्ड इज़ फॉर, ये वाला कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में यू नो अगर अभी आप किसी मुकाम पर है जहाँ पर आपको लग सकता है कि आप ट्रैप हो गए हैं, ठीक है, और ये अवॉइड करने की बात है, ठीक है। ऐसी कोई भी परिस्थिति में आपको आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है जहाँ पर लोग हर जगह से ट्रैप हो गए हैं, ठीक है, लोग ट्रैप हो गए हैं, जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर आप यू नो जाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जैसे सी अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई फंसा हुआ था उसको हम मदद करने के लिए गए, हम उनको उनको मॉरल सपोर्ट देने, इमोशनल सपोर्ट देने गए, बट यू हैव टू अवॉइड गोइंग इन दिस सिचुएशन बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यू नो आप ऐसी एनर्जीज डेफिनेटली यू नो झेल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आपकी लाइफ में आपको बैड कर्मा अवॉइड करना है, आपको कोशिश करना है आपके कर्म जितने बने उतने साफ रहने चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में आपको लगता है कि आप अच्छा कर्म नहीं कर सकते हैं तो उस परिस्थिति से दूर हो जाइए, ठीक है। बिकॉज अगर यस यू नो कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ आप ज़रा भी अच्छा कर्म करना पसंद नहीं करेंगे, उनका ज़रा भी अच्छा करना पसंद नहीं करेंगे, द थिंग इज़ बिकॉज उन्होंने आपके साथ बहुत बहुत सारा बुरा किया हो सकता है, विच इज़ टोटली फाइन, ओके। कोई कुछ भी करता है वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट किसी ने बुरा किया है तो आप उसमें रिटर्न में बुरा मत दीजिए, वहाँ से उस परिस्थिति में से हट जाइए, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू टेक नेगेटिविटी, और आपको जस्टिस करना है, कुछ भी करें तो जस्टिस वाले व्यवहार के साथ आपको करना है, जस्टिस एंड फेयरनेस, कुछ भी अन्याय नहीं करना है किसी के साथ, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। क्या और चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, आपको ओवरली सेलिब्रेट करने की जरूरत, मतलब कोशिश नहीं करना है, आपको हद से ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है। यस सेलिब्रेशन इज़ फाइन, बट यू नो सेलिब्रेशन करने के टाइम पर लोग ज़्यादा ऐसा खाना खा लेते हैं कि जो हेल्दी नहीं होता है, ऐसी चीज़ें पी लेते हैं कि जो हेल्दी नहीं होती है, तो वो अवॉइड करना है, ठीक है। सेलिब्रेशन, खुश होना, जॉय को अनुभव करना, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड, बट सेलिब्रेट करते करते जो चीज़ आप अपने अंदर डालते हैं वो चीज़ यू नो उससे आपको केयरफुल रहना है, उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डोंट, या देखो बहुत ही क्लियरली बताया जा रहा है, ज़्यादा हद से ज़्यादा चैरिटी नहीं करना है, हद से ज़्यादा पैसे डोनेशन नहीं करना है,
बिकॉज आप इतने दयालु हैं, यू नो, आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे कि जो मतलब हमेशा उसके पास पैसे होते ही नहीं है, तो ऐसे लोग हमेशा आपके आसपास रहेंगे, भाई ये नहीं है वो नहीं है तो ये दे दो वो दे दो. सो सी, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नो, जब मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था, यू नो, कि जब मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरी इनकम बहुत ही कम थी और मैं इतना ज़्यादा कुछ कमाती नहीं थी, तो एट दैट पॉइंट आई नेवर टोल्ड एनीबडी. सी, जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग होंगे ना, वो कभी भी किसी को बताएंगे नहीं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दो. ठीक है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं वो कभी किसी को बताएंगे नहीं. तो मैं ऐसे टाइम पर मैं किसी को बताया भी नहीं था. यस, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि जो मुझे खरीदनी थी और मैंने नहीं ली थी. ओके, एंड वो जब मेरे मेरी इनकम अच्छी होना शुरू हो गई, तब मैंने वो सारी चीज़ें ली कि जो मुझे चाहिए थी. ठीक है, सो यस, यू नो, इसीलिए मेरे पास भी, यू नो, जब टैरो करवाने लोग आते हैं, बोलते हैं अरे मेरे पास पैसे नहीं है, यू नो, प्लीज़ मेरा सस्ते में कर दो, लाइक, यू नो, मैंने इतने महंगे महंगे क्लासेस आज तक किए हैं, वो क्लासेस, यू नो, इतने महंगे मैंने किए हैं कि उसके पैसे जब मेरे पास नहीं थे तो साल साल भर के लिए मैंने पैसे इकट्ठा करके वो सारी चीज़ें मैंने सीखी है. और वहाँ पर मैंने आज तक नहीं बोला कि भाई मेरे पास पैसे कम है, आप थोड़ा डिस्काउंट दे दो. सो यस, बाय ऑल मीन्स, यू नो, मेरी कोई भी अगर सर्विस आप लेना चाहते हैं, मेरे से रीडिंग करवाना चाहते हैं, मेरे से हिप्नोथेरेपी करवाना चाहते हैं, कभी भी एक पैसा कम नहीं होगा. ठीक है, सो यस, बिकॉज मैंने आज तक किसी से डिस्काउंट नहीं मांगा है, तो मैं खुद डिस्काउंट किसी को नहीं देती. चाहे आप प्रॉब्लम में हो, चाहे जो भी हो, आप प्रॉब्लम में मेरी वजह से नहीं है. ठीक है, आप प्रॉब्लम में अपने कर्मों की वजह से है. सो यस, ज़रा भी, यू नो, देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी, आप कहेंगे अच्छा दया भाव रखना चाहिए. यस, दया भाव रखना चाहिए ना, उसमें मना क्या है. मतलब दया फुल फुल दिल दरिया है, मतलब पूरा दयावान है मेरा दिल आपके लिए, सारी सिंपथी है, बट सिंपथी से ज़्यादा कुछ फ्री में नहीं दे सकती हूँ. ठीक है, सो जी हाँ, तो ये है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दिस कार्ड. दिस कार्ड सेज आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है. क्रिएटिविटी के ऊपर काम कैसे करेंगे? डू समथिंग फॉर योर राइट ब्रेन. ठीक है, राइट ब्रेन वाली एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर काम कीजिए. अगर आपको वो क्या एक्टिविटीज़ है नहीं पता है, जस्ट गो हेड एंड गूगल इट एंड चेक इट. दिस इज़ फॉर या मनी को मेंटेन करना, मनी को कैसे आप हैंडल करते हैं वो सीखना ज़रूरी है. यू नो, अगर आपको ये नहीं पता है, मेरे पास मैंने, यू नो, फाइनेंशियल, यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करना है, उसके ऊपर 3 मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं. तो वीडियोस आप ज़रूर देखिए, एंड यू नो, जस्ट ट्राई टू वॉच इट. आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मनी के बारे में सिखाएगा, कैसे मनी को हैंडल करना है. दिस कार्ड, ओके, ये आपके रीडिंग में ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है. इसी देखो, वापस यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का कार्ड आ गया कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो तो आप लोग, आपको अपने आप को डिफेंड करना है, आपको अपने आप को, यू नो, यस, आपको अपने आप को उस लड़कर उस चीज़ में आपको अपने लिए खड़ा होना है. ठीक है, तो ये एक चीज़ है बहुत ही ज़्यादा आपको बताई जा रही है. ये वाला जो कार्ड है, दिस कार्ड शोज के आपको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहना है, अपनी लाइफ के कंट्रोल में रहना है, कोशिश करना है कि कोई और आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ना कर सके. ठीक है, यस, यू नो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम आपको आपकी लाइफ को लाइफ मैनेज करने में हेल्प करेंगे, बट फिर आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल करके फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, राइट? तो जी हाँ, चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है आपके लिए. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूनिवर्सेस मैसेजेस फॉर यू. यस, अगर किसी भी पॉइंट पर, यू नो, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके मन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड गेट अ प्राइवेट कंसल्टेशन. प्राइवेट कंसल्टेशन इज नॉट फॉर फ्री, पेड होता है, बट टॉप क्वालिटी कंसल्टेशन होता है. कुछ, यू नो, ऐसे प्रीमियम रीडिंग्स है कि जो आप मुझसे ले सकते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए, यू नो, एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीज़ आपके लिए हो जाएगी. अगर प्रीमियम वाला रीडिंग, यू नो, आपने करवाया तो उसकी सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी. ठीक है, जस्ट चेक इट आउट. और यस, चलिए, मेरे व्यूअर्स, यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स जिनका बर्थडे है 9/18/27, उनके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, उनके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है वो जानने में मेरी मदद कीजिए. यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनका बर्थडे है 9/18/27, उनके लिए क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपके पास? एक्सक्यूज मी, यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनका बर्थडे है 9/18/27, उनके लिए क्या मैसेजेस है आपके पास, प्लीज टेल मी. चलिए, यहाँ पर काफी ज्यादा कार्ड आ रहे हैं. ठीक है, जस्ट गोइंग टू पुल आउट द कार्ड्स फर्स्ट, उसके बाद कार्ड्स को देखते हैं कौन कौन सी बातें बताई जा रही है कार्ड्स में.
ठीक है। दैट्स अ लॉट ऑफ मैसेजेस, ओके विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, अगर बहुत सारा गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है मीन्स यूनिवर्स एक्चुअली केयर्स, राइट? यूनिवर्स सच में आपकी केयर करता है तभी चलकर इतने सारे मैसेजेस दे रहे हैं, अदरवाइज यूनिवर्स वुड लाइक या जस्ट स्क्रू इट आई डोंट केयर। तो बहुत ही कम मैसेजेस आते हैं, बट एनीवेज काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से मैसेजेस आए हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट पुट दीज कार्ड्स ऑन द साइड बिकॉज यस थैंक यू गॉड्स फॉर योर असिस्टेंस फॉर योर अपियरेंस इन माई रीडिंग। चलिए आपकी बारी है, बॉक्स में चले जाइए वापस। चलिए अब ये वाले कार्ड्स देखते हैं। चलिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर क्रो का कार्ड आया है। ठीक है, कौवे का कार्ड आया है। कौवा जो होता है वो पितरों का भी एक सूचक होता है, शनि देवता का भी यू नो एक सूचक है। तो कौवों को खाना आपको खिलाना चाहिए। ठीक है, मिस्टीरियस, बहुत ही मिस्टीरियस क्रिएचर है और इसके अंदर मैजिकल पावर होते हैं। तो कौवों को अगर आप खाना खिलाते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बहुत ही बड़ा चेंज है कि जो आपके लाइफ में होगा। ठीक है, यस कुछ है कि जो यू नो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा बड़े लेवल पर चेंज होगा, कुछ चेंज होगा कि जो यू नो चेंज होकर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से वो चीज़ निकल जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव इज फीनिक्स। ओ माय गॉश, दिस इज सच अ गुड कार्ड। फीनिक्स का कार्ड आया है आपके लिए एंड दिस सेज के यू नो आपके अंदर उतनी एबिलिटी है कि आप टोटली ज़ीरो लेवल पर चले जाए, उसके बाद भी वापस यू नो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर राइज हो सकते हैं। यस, टेक्निकली देखने जाओ तो फीनिक्स का जो बर्ड होता है वो एक बार मर जाए अपनी ही राख में से वो वापस जन्म लेता है। तो ये फीनिक्स बर्ड का पावर है। तो आपके अंदर फीनिक्स बर्ड जैसा पावर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो आप फीनिक्स बर्ड की तरह कर सकते हैं। ठीक है, और जी हाँ, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा यू नो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स आपके अंदर है। नेक्स्ट चीज़ है बुक, क्या है? यस, बुक्स पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ ऐसी बुक्स हैं कि जिसमें जो यू कॉन्स्टेंटली आपको अट्रैक्ट करते रहती हैं, ऐसी बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये जो कार्ड है वो लायन का कार्ड है। ठीक है, जस्ट फेयर डिवोटेड मेजेस्टिक हाई सेल्फ इस्टीम अथॉरिटी फिगर। तो आपका यस यू नो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम है आपके अंदर। सेल्फ एस्टीम होना अच्छी बात है, ईगो होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू कीप यू नो अपने आप को हमेशा एसेस करते रहो कि कब आप ईगो के द्वारा यू नो काम कर रहे हो, कब आप सेल्फ एस्टीम के द्वारा यू नो काम कर रहे हो। इफ़ यू आर अब अपने अगर सेल्फ एस्टीम के इशारों पर नाच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप ईगो में आकर यू नो कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, और ये है बहुत ज़्यादा पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी बता रहा है। अगर आप फीमेल है तो ये आपकी लाइफ में कोई बहुत ही कोई आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुरुष है तो यस आपके अंदर यस यू आर लाइक अ वेरी पावरफुल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ही अच्छी मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी। यू नो मैस्कुलिन एनर्जी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी है और इसीलिए यहाँ पर बता रही हूँ कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। सो यस यू नो मतलब रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड लिव अप टू दैट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है यस कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, कभी भी किसी मामले में आपको कॉन्फिडेंस अगर ना हो ऐसा लगे तो ट्राई करो कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। फिर ये कार्ड लीडरशिप का भी है। लीडरशिप का अगर आपको मौका मिलता है, अल्फा मेल या अल्फा फीमेल बनने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये वाला कार्ड है दैट इज सो क्यूट, ये वाला कार्ड है, ये कहता है टैंगल्ड अप प्रॉब्लम्स। यू नो आप ऐसे हैं कि आप यस आप प्रॉब्लम्स में भी फंसेंगे कभी ना कभी, बट आप प्रॉब्लम्स में फंसे हुए भी कितना क्यूटली यू नो आप उसको हैंडल करते हैं वो आप देखिए। तो दैट इज़ वॉट यू नो दैट इज़ वॉट यू आर। नेक्स्ट चीज़ है ये कार्ड फॉरेन अफेयर्स। तो यू नो आप हमेशा फॉरेन कंट्री के साथ कोई ना कोई आपका एक एफिनिटी रहेगा, आपको एक फॉरेन कंट्री से हमेशा प्यार रहेगा और आप रेगुलरली वहाँ पर विजिट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हमेशा होते रहेगा। नेक्स्ट जो है ये कार्ड क्रॉस का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। ठीक है, सो दिस हैज़ कम, दिस इज़ लाइक अ वेरी पावरफुल थिंग, यू नो बहुत पावरफुल डिवाइन एनर्जी आपके साथ है।
तो आपका लाइफ में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। दिस कार्ड इज फॉर योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। अब ये जो डिवाइन मैस्कुलिन जिसकी बात मैंने की, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। अगर ये व्यक्ति, ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप पुरुष हैं, तो आपकी लाइफ में यू नो सोलमेट या ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी आने वाला है, या आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही जी रहे हैं, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे 9, 18, 27 वाले लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। या आई सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपकी कैसे मदद कर रहा है। एंड अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली गो टू माई वेबसाइट, सारी डिटेल्स दी गई है, अच्छे से चेकआउट कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बुक कीजिए कंसल्टेशन। सारे कंसल्टेशन प्रीपेड है, कुछ भी यू नो पोस्ट पेड नहीं है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी रिक्वेस्ट कर लें, यू नो सारे के सारे कंसल्टेशन प्रीपेड ही है। और जी हाँ, तो या सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अंटिल वी सी मीट यू अगेन, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।